हर व्यक्ति अपने दिमाग को तेज व तंदुरुस्त बनाना चाहता है, परंतु कुछ लोग दैनिक जीवन में कुछ ऐसी गलत आदतें अपना लेते हैं जिनके कारण दिन प्रतिदिन उनका दिमाग कमज़ोर होता चला जाता है, उनकी याददाश्त में कमी आ जाती है, वे छोटी छोटी बात को बहुत जल्दी भूलना शुरू कर देते हैं, अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी दिमागी बीमारियाँ पास आने लगती हैं, इसके साथ ही उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। आइए जानते हैं वो 10 गलत आदतें जिनकी वजह से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। सबसे पहले है देर रात तक जगना। कुछ लोग देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप चलाते रहते हैं, इससे उनके दिमाग पर काफ़ी बोझ पड़ता है और धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है। अगर आप देर रात तक चैटिंग करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ सकता है। दूसरा है धूम्रपान करना। धूम्रपान आपके जीवन को कम करता है, साथ ही आपके दिमाग को भी कमज़ोर बनाता है। मैकगिल यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि स्मोकिंग से कार्टेक्स पर असर पड़ता है, जो आपकी याददाश्त शक्ति और लैंग्वेज स्किल के लिए खतरनाक है। तीसरा पॉइंट है नाश्ता नहीं लेना। दोस्तों, ऑफिस या स्कूल पहुंचने और जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में नाश्ता नहीं करने की आदत बहुत हानिकारक है। ब्रेकफास्ट से हमारी दिन की शुरुआत होती है और इसे छोड़ देने से आपके शरीर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे याददाश्त कमज़ोर होना, मोटापा, कमज़ोर इम्यूनिटी, ब्लड शुगर आदि। इन समस्याओं से बचने के लिए आपको नाश्ता ज़रूर लेना है जो प्रोटीन से भरपूर हो, ताकि आप ऊर्जा से भरे रहें। इसके बाद है पर्याप्त नींद ना लेना। स्वस्थ शरीर के लिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में एक शोध में बताया गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा या कम नींद के कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती है, जिससे आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है। 5वां पॉइंट है तनाव लेना या कुछ भी गंभीरता से सोचना। जो लोग अपने दिमाग में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव लेते हैं या किसी भी विषय के ज़्यादा गंभीर होकर सोचते हैं, उनका दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इसलिए अपने दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देनी है और चिंता मुक्त रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो होना है वो तो होकर रहेगा। अतः दिमाग को चिंता में रखने से कुछ भी हल निकलने वाला नहीं है। 6ठा पॉइंट है रोज़ाना व्यायाम ना करना। दोस्तों, रोज़ाना व्यायाम ना करने से शरीर में आलस बढ़ता है और आलसी लोगों का दिमाग कम क्रिएटिव और कमज़ोर होता है। इसलिए हमें रोज़ाना व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। नेक्स्ट है जंक फूड का ज़्यादा सेवन करना। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज की युवा पीढ़ी ज़्यादातर जंक फूड खाती है, घर का बना हुआ खाना इन्हें पसंद नहीं आता। एक्चुअली जंक में MSG नामक एडिटिव पाया जाता है, ऐसे में यह दिमाग के न्यूरॉन रिसेप्टर्स को नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादा मात्रा में जंक फूड खाने से सरदर्द, उल्टी और कन्फ्यूजन जैसी समस्याएं आम हो जाती है, तो इसको तो आपको बाय बाय करना ही होगा। 8 पॉइंट है पानी कम पीना। कम पानी पीने वालों की तुलना में सही मात्रा में पानी पीने वालों का दिमाग 14% अच्छे से काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं या किसी परीक्षा में बैठे हैं तो पहले पानी पी लीजिए, क्योंकि इससे आप चीज़ें भूलते नहीं हैं। पानी से दिमाग ज़्यादा देर तक काम कर पाता है। अगला है ईयरफोन से लगातार गाने सुनना। दोस्तों, आपने कई सारे लोगों को ईयरफोन से तेज आवाज़ में गाने सुनते हुए देखा ही होगा, लेकिन ये गलत है। कान में ईयरफोन लगाकर लगातार गाने नहीं सुनने चाहिए, अगर सुनने भी हैं तो धीमी आवाज़ में सुनिए। तेज आवाज़ से कान तो खराब होगा ही,
साथ में ब्रेन टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचता है। लगातार ऐसा करने से अल्जाइमर की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। 10वां पॉइंट है अकेले रहने की आदत। कई लोगों की आदत होती है कि उन्हें लोगों का साथ पसंद नहीं आता है, ऐसे में वे ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले ही बिताना पसंद करते हैं। ऐसा होने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, जिससे डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये कुछ बुरी आदतें मैंने बताई हैं, आपको बस इनको छोड़ना है और एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जीना है। लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। अगर कोई भी लक्ष्य हासिल करना हो तो मस्तिष्क का सही रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको खासकर अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। धन्यवाद।